दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्कूली बच्चे शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले परिषदी बच्चों को राज्यपाल ने ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ स्कूली बैग देकर सम्मानित किया। इस समारोह में सम्मानित होने वालों में विकासखंड भटहट के प्राथमिक विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूढ़ाडीह के 30 छात्र छात्राएं शामिल रहे। राज्यपाल ने बच्चों को सम्मानित करते हुए वक्त कहा कि ज्ञान का भंडार भरने के लिए छोटे बच्चे से ही पहल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हें किताबें मिली हैं, अब शिक्षकों का दायित्व है कि किताबों को पढ़ाएँ और उनसे सवाल भी पूछें। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को दीक्षांत समारोह में बुलाने का मात्र यही मकसद है कि वे समारोह को देखें और उससे प्रेरणा लें और आगे चलकर इस तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकें और मेडल हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन करें। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए समारोह में शामिल हुए प्राथमिक स्कूल के छात्रा कृष्णा, राधिका और शिक्षिका डॉक्टर रंजना वर्मा ने बताया। फटाफट बैठो ना, अरे बच्चे हैं, धीरे धीरे बेटा और आगे जाओ, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, सब लोग आइए, मैं कहना चाहती हूँ कि आपका ये दीक्षांत समारोह हुआ, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे जो 30 बच्चे आए हुए, ये 30 बच्चों का आज दीक्षांत समारोह हो गया। बच्चों के साथ बातचीत करने से ये पता चलता है कि वे भी चाहते हैं कि हम ऐसा पढ़े कि जिसकी वजह से हम ऐसी यूनिवर्सिटी में आकर जिस तरह आप लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसी तरह हम भी गोल्ड मेडल प्राप्त। यूनिवर्सिटी की ओर से बच्चों को अच्छी अच्छी बुकें दी गई और दूसरा सामान भी दिया है। मैं टीचर्स को विनती करती हूँ कि 30 बुक्स आपको मिली है वो अपनी लाइब्रेरी में रखिए और सभी बच्चे ये बुक पढ़े।
और भूख पर चर्चा हो स्कूल में प्रेयर्स के समय। ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आप स्कूल में करवाएंगे तो ही बच्चे अपने विचार सबके सामने रख सकेंगे, बोल पाएंगे, याद रखेंगे और रुचि बढ़ेगी पढ़ने की। और इसके बाद कभी जहाँ ये अच्छी लाइब्रेरी होगी वहाँ वो जाएंगे, वहाँ से पुस्तक लेंगे और अपने घर पर जाकर पुस्तक पढ़ेंगे। ये आदत डालने की अभी जरूरत है। मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। श्री कृष्णा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको कही है कि आप तुम लोग पढ़ करके जैसे हम लोग जैसे वो बड़े बच्चे पढ़ लिख करके गोल्ड मेडल प्राप्त किए, वैसे भी हम लोग भी पढ़ करके गोल्ड मेडल प्राप्त करें। यस सर। राधिका श्रीमती आनंदी बेल पटेल राजपाल। मेरा नाम डॉक्टर रंजना वर्मा है और मैं प्राथमिक विद्यालय बूढ़ाडी प्रथम में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। ये प्राथमिक स्कूल बूढ़ाडी के बच्चे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा इनको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था और हम सब बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं और बहुत ही उत्साह के साथ आज यहाँ पर वो आए और वो भविष्य में ये शिक्षा लेकर जा रहे हैं कि हम भी आने वाले वर्षों में गोल्ड मेडल इन्हीं बच्चों की तरह प्राप्त करेंगे और इसके लिए वो बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में वो ऐसा ही करेंगे। हाँ, राज्यपाल महोदया के द्वारा हम सभी शिक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि जो किताबें इन्हें भेंट स्वरूप दी गई हैं उन किताबों को लाइब्रेरी में रखा जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को ये इसके लिए कहा जाएगा कि वो हमेशा एक रीडिंग स्किल अपने अंदर लाएं और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें, पढ़ते रहें। और हम सब शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके अंदर ये आदत आए, वो अच्छी पुस्तकें पढ़ें और प्रेरित हों।